हेलो दोस्तों, हमारे यू कैसे हैं आप सभी। स्टडी यूट्यूब का चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, लेकर आए हैं 22 अगस्त 2019 करंट अफेयर सवाल और जवाब। हिंदी में प्रकाशित किए गए सभी करंट अफेयर प्रश्नोत्तरी आने वाले एसएससी यूपीएससी बैंक रेलवे क्लर्क पीओयू परीक्षाओं के लिए सहायक होंगी। 22 अगस्त 2019 करंट अफेयर के बारे में यदि आपका कोई प्रश्न है तो कृपया हमें कमेंट करके जरूर पहुँचाएं। 22 अगस्त 2019 समय महत्वपूर्ण समय की करंट अफेयर प्रश्नोत्तरी हिंदी भाषा में। प्रश्न नंबर 1, स्वीडन की प्रमुख कंपनी आइकिया ने हाल में ही भारत के किस शहर में अपना ऑनलाइन स्टोर खोला है? दिल्ली, मुंबई, इंदौर, कलकत्ता। उत्तर है दोस्तों, स्वीडन की प्रमुख कंपनी आइकिया ने हाल में ही मुंबई में अपना ऑनलाइन स्टोर खोला है, जिसमें घरेलू साज सज्जा और अन्य सामान जैसे 775 उत्पाद उपलब्ध होंगे। कंपनी के मुताबिक वह आने वाले 3 वर्षों में 10 करोड़ ग्राहकों को अपनी कंपनी पहुँचाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भारत के किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को 25 दिन बाद मंत्रिमंडल का गठन किया है और उनके विधायकों को ने शपथ ली है? केरल, गुजरात, पंजाब, कर्नाटक। उत्तर है दोस्तों, कर्नाटक। जी हां, भारत के कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने 25 दिन बाद मंत्रिमंडल का गठन किया और उसके 17 विधायकों को राज्यपाल वजुभाई वाला ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ दिलाई। बीएस येदियुरप्पा ने 26 जुलाई को ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय सिनेमा के संगीतकार खय्याम का हाल में कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? 80 वर्ष, 88 वर्ष, 92 वर्ष, 95 वर्ष। उत्तर दोस्तों, 92 वर्ष। यह भारतीय सिनेमा के संगीतकार खय्याम का हाल में ही 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनके निधन पर फिल्म जगत के कई लोगों ने शोक व्यक्त किया है। उन्हें कभी कभी उमराव जान जैसी फिल्मों के फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले क्रिकेट खिलाड़ियों की लिस्ट में पहले स्थान पर पहुंच गया है? एमएस धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली, डेविड वार्नर। उत्तर है दोस्तों, विराट कोहली। जी हां, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली हाल में ही अधिक फॉलो किए जाने वाले क्रिकेट खिलाड़ियों की लिस्ट में पहले स्थान पर पहुँच गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर 3 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बीसीसीआई ने किस क्रिकेट खिलाड़ी पर लगे लाइफ टाइम बैन को हटाकर 7 वर्ष कर दिया है? पृथ्वी शाह, मुरली विजय, विजय शर्मा, एस श्रीसंत। जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने लोकपाल डी के जैन ने हाल में ही क्रिकेटर खिलाड़ी एस श्रीसंत पर लगे लाइफ टाइम बैन को घटाकर 7 वर्ष कर दिया गया है। उन पर लगा 7 वर्ष का प्रतिबंध अगले वर्ष समाप्त हो जाएगा और वे क्रिकेट खेल सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारत के पैरा स्विमर जितेंद्र सिंह लोहिया अमेरिका के 42 किलोग्राम लंबे कैटलिना चैनल को पार करने वाले किस महाद्वीप के दिव्यांग तैराक बन गए हैं? ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया, अफ्रीका। उत्तर दोस्तों, एशिया। भारत के पैरा स्विमर जितेंद्र सिंह लोहिया अमेरिका के 42 किलोमीटर लंबे कैटलिना चैनल को पार करने वाले एशिया महाद्वीप के पहले दिव्यांग तैराक बन गए हैं। सत्येंद्र सिंह लोहिया के अपनी टीम के कैटलिना चैनल को 11 घंटे 33 मिनट के समय में पार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज बैंड हेंडिंग को किस आईपीएल टीम का सहायक कोच नियुक्त किया गया है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज बैंड हेंडन को किस आईपीएल टीम का सहायक कोच नियुक्त किया गया है? मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, सनसराइज हैदराबाद, राजस्थान रॉयल। उत्तर दोस्तों, सनसराइजर्स हैदराबाद। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज ब्रेंड हेडन को आईपीएल टीम के सनराइजर्स हैदराबाद के सहायक कोच नियुक्त किया गया है। वे सनराइजर्स हैदराबाद के हेड कोच टेवर बेलिस के साथ काम करेंगे, जिसको इस वर्ष की फ्रेंचाइजी ने अपना मुख्य कोच नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 8, यूसीआई जूनियर ट्रैक साइकिलिंग विश्व चैंपियनशिप भारत के साइकिलिस्ट ईसो अल्बेंस कौन सा मेडल जीतकर भारत के लिए मेडल जीतने वाला साइकिलिस्ट बन गया है? गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रोंज मेडल, गोल्ड और सिल्वर मेडल दोनों। उत्तर दोस्तों, सिल्वर मेडल। जी हाँ, स्विट्जरलैंड के एगले में हुई यूसीआई जूनियर ट्रैक साइकिलिंग विश्व चैंपियनशिप भारत में अंडमान निकोबार के साइकिलिस्ट सो
अल्बेन सिल्वर मेडल जीतकर भारत के लिए मेडल जीतने वाले साइकिलिस्ट बन गए हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, अगर हमारा करंट वीडियो फिर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें और चैनल को दोस्तों फॉलो करें क्योंकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलती रहे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, 18वीं राजस्थान स्टेट ओपन शूटिंग चैंपियनशिप में किस निशानबाज ने 4 मेडल जीते हैं? गंगा नारंग, जीतू राय, रोजन सोडी, मानव आदित्य सिंह राठौर। उत्तर है दोस्तों मानव आदित्य सिंह राठौर। 18वीं राजस्थान स्टेट ओपन शूटिंग चैंपियनशिप में भारत के निशानेबाज मानव आदित्य सिंह राठौर ने अलग अलग कैटेगरी में 3 गोल्ड मेडल सहित 4 मेडल जीते हैं। मानव आदित्य सिंह राठौर ने इस वर्ष 2004 के एथेंस ओलंपिक में डबल ट्रैप इवेंट में सिल्वर मेडल जीता था। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।